पीटीआई के नॉर्थ वेस्ट के सदर अपने आसफ भट्ट साहब ने जो ऑर्गेनाइज किया डिनर, ईद डिनर जो किया है, ये इंतहाई काबिल स्ताइश है और इन्होंने बहुत ज़्यादा रौनक लगाई है और इतने लोग जो है ना एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा लोगों ने शिरकत करके हमें साबित कर दिया कि दियारे गैर में भी हम लोग जो है इकट्ठे होकर अपनी ईद सेलिब्रेशन जो है अच्छे तरीके से मना सकते हैं। और इस मौका पर मैं यही पैगाम दूंगी कि अगर हम जो पूरे पाकिस्तान को मजबूत बनाना है तो आप लोग आए मिलकर इमरान खान की के लिए कोशिश करें कि वो हमारे आइंदा आने वाले प्राइम मिनिस्टर बने और अपने मुल्क की बागडोर उनके हवाले की जाए ताकि वो बेनिफिट फॉर कंट्री जितनी वो अच्छी कैदी कर सकते हैं उसके अलावा मैं समझते कोई भी नहीं कर सकता। इस मौके पर मैं आसफ भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कामयाब प्रोग्राम करने पर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आसफ भट्ट साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाब फंक्शन पर, बल्कि तमाम पीटीआई की नार पर जो एसोसिएशन है उसको मुबारक देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा ईद मिलन पार्टी किया है, सब लोग आए हैं, लोगों ने खूब भी एंजॉय किया है और काफ़ी लोगों ने इस फंक्शन को सराहा, बिकॉज पीटीआई के पास ऐसी वाइज जमायत है जो हमें हमारे मुल्क को सीधे रास्ते पर ले जा रही है और ये जो चोर किस्म के लोग थे पहले इससे हमारी निजात दिलाएगी। हमें बड़ी खुशी हुई है कि बड़ी लोग इसकी बड़ी पजीरारी कर रही हैं और हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे।